हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो बिल्कुल आपका इंतज़ार आज खत्म हो गया है। सफाई कर्मचारी भर्ती बिल्कुल उसका संक्षिप्त विज्ञापन है, बिल्कुल आज है वो जारी हो चुका है। तो क्या है ये पूरी डिटेल चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो नगर पालिका भर्ती है उससे संबंधित, क्या इसका नोटिफिकेशन आया है अभी। हालांकि संक्षिप्त नोटिफिकेशन है लेकिन इसमें क्या जानकारी दे रखी है, कब से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन सारे मुद्दों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल ये दिनांक 9/6 यानी कि आज का बिल्कुल नोटिफिकेशन है, संक्षिप्त विज्ञापन आया है नगरीय निकायों में। सॉरी थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ मैं। नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी भर्ती पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या, बिल्कुल ये विज्ञापन आया है इससे संबंधित। बात करें पदों की तो बिल्कुल 13,184 रिक्त पदों पर ये भर्ती है, वो निकायवार सीधी भर्ती होगी, ठीक है। और आगे हैं कि सफाई कर्मचारी पद हेतु योग्यता, रिक्त पदों संख्या, आवेदन या आवेदन शुल्क एवं इन सारी जानकारी वो आगे हमें दे रखी है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या क्या जानकारी दे रखी है। पहले दे रखा है अपने को आयु सीमा। तो आयु सीमा है इसमें दिनांक 1/1/2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपकी न्यूनतम है वो 18 वर्ष है और अधिकतम है वो 40 वर्ष आपकी आयु है होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई आपकी आयु सीमा यानी एज लिमिट। बात करें आवेदन की अवधि, कब से आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, तो 20/6/2023 यानी 20 जून से हैं बिल्कुल आपके आवेदन है वो इस भर्ती के लेकर होने वाले हैं, जो 19 जुलाई तक चलने वाले हैं, ठीक है। एक महीने है वो आपको बिल्कुल आवेदन के लिए समय दे रखा है। आवेदन हेतु अभ्यर्थी को अपना क्या है, जनाधार कार्ड अपडेट रखें। आपको क्या करना है, जनाधार कार्ड को बिल्कुल अपडेट रखना है क्योंकि ये फॉर्म है आपका जनाधार कार्ड के आधार पर ही बिल्कुल भरा जाएगा, इसलिए बिल्कुल अपने जनाधार को अपडेट रखें। तो ये तो होगी आवेदन अवधि। अब अर्हता एवं अनुभव की बात कर लेते हैं, मतलब योग्यता क्या है। इसमें दे रखा है कि अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो एवं अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासी संस्था यानी अर्ध सरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। बिल्कुल मेन योग्यता इनमें यही है, 1 वर्ष का आपको अनुभव प्रमाण पत्र है वो, जो किसी अर्ध सरकारी या स्वायत्तशासी संस्था द्वारा बिल्कुल प्रोवाइड करवाया गया हो वो आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। और आगे बात करें इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो बिल्कुल नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों का चयन है वो निकाय स्तर पर बिल्कुल गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। एक तो तरीका है भाई साक्षात्कार लिया जाएगा आपका, साथ में प्रायोगिक यानी कि आपको उस समय कुछ काम देकर भी बिल्कुल आपको चेक कर सकते हैं, मतलब कोई सफाई से संबंधित काम आपको दे दिया जाए। तो इस प्रकार है वो साक्षात्कार और प्रायोगिक परीक्षा दोनों के माध्यम से है वो आपका जो है चयन है वो होगा। तो चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर ली हमने, अर्हता एवं अनुभव बिल्कुल योग्यता हमने देख ली, 1 वर्ष का आपको सर्टिफिकेट चाहिए जो अपना अनुभव प्रमाण पत्र होगा, और साथ में आपकी आवेदन अवधि बिल्कुल 20 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और आयु सीमा है वो आपकी न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और आप कहाँ से हैं बिल्कुल इसका विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट जो है, बिल्कुल ये आपको वेबसाइट दे रखी है, इस पर जाकर आप बिल्कुल इसकी संपूर्ण जानकारी है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना सफाई कर्मचारी भर्ती से जुड़ा संक्षिप्त नोटिफिकेशन। आगे भी कोई इससे संबंधित फर्दर कोई डिटेल आती है तो बिल्कुल उसके लेकर भी बिल्कुल मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।